तिमिट में आज अभिनंदन नाम से वेलकम पार्टी का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य एमबीए प्रथम वर्ष के छात्रों का अभिनंदन करना था एवं नए छात्रों का एक दोस्ताना माहौल में स्वागत करना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उनके रचनात्मक आवेगों को प्रोत्साहित करना और उनके कॉलेज की परंपराओं एवं उनके सीनियर छात्रों से उनको मिलवाना भी था। इस पार्टी की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। तत्पश्चात सभी शिक्षकों ने माता सरस्वती को पुष्प चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में हास्य नाटक, नृत्य, गीत, संगीत, रैप वॉक, शायरी आदि का प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का संचालन एमबीए के अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में टिमिट के प्रिंसिपल प्रोफेसर विपिन जैन ने कहा, यह वह दिन है जब सीनियर और जूनियर अंतः कॉलेज का हिस्सा होने का जश्न मनाने के लिए बंद जाते हैं और एकजुट होते हैं। उन्होंने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती के माध्यम से यह बताया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए हमें अपने जीवन में हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और मैनेजमेंट विषय को भी किस प्रकार जीवन में लागू किया जा सकता है इस पर प्रकाश डाला। अंत में उन्होंने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और इस कार्यक्रम के संचालन हेतु सभी शिक्षक गणों का आभार व्यक्त किया। आज हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जो फर्स्ट ईयर एमबीए के छात्र हैं उनका स्वागत किया गया हमारे जो अंतिम वर्ष के एमबीए के छात्रों के द्वारा, और ये मैसेज देने की कोशिश की कि कैसे नए बच्चों का स्वागत किया जाता है, उनको गाइड करने का प्रयास किया गया कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन विश्वविद्यालय के हैं, कॉलेज के हैं, लाइब्रेरी के हैं, उनको दो साल का ये जो प्रोग्राम है कैसे कम्प्लीट करना है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें सीनियर छात्र जूनियर को मार्गदर्शन देते हैं कि आगे करियर में क्या क्या चीज़ें उनको लर्न करनी चाहिए, जिससे कि जब भी वो कॉलेज से बाहर निकलें तुरंत प्लेस्ड हो जाएं। ये हमारा प्रयास रहा है इसमें, और ये भी समझाने की चेष्टा की है कि जूनियर और सीनियर का रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है करियर के लिए, क्योंकि आगे चल कर यही उनको प्रोफेशनल करियर में हेल्प करते हैं। ये एक और संदेश देता है कि किस तरीके से हमारा कॉलेज रैगिंग फ्री है। यहाँ सीनियर जूनियर को समझाते नज़र आएंगे, जबकि और बात करें तो रैगिंग से परेशान रहते हैं जूनियर, उनको डर रहता है। तो ये भी हमने उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की बात की कि सीनियर से आप डरे नहीं, सीनियर के साथ रहेंगे तो आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और हेल्प मिलेगा। यही प्रयास हमारा इस पर्टिकुलर अभिनंदन समारोह से था, जिसमें सभी प्रथम वर्ष के छात्रों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और अंतिम वर्ष के छात्रों ने अपने कॉलेज के बारे में, कॉलेज की परंपराओं के बारे में उनको विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास किया। मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए हमारे कुलाधिपति श्री सुरेश जैन साहब का, वे ग्रुप वाइस चेयरमैन श्री मनीष जैन जी का और बोर्ड ऑफ मेंबर श्री अक्षर जैन जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रखा है, जहाँ हम स्टूडेंट्स को बेसिक चीज़ें समझाते हुए प्रोफेशनल करियर में उनकी मदद करते हैं। धन्यवाद। देखिए, इस बार एमबीए में टोटल हमारे पास 120 सीटें हैं, जो कि पूरी तरह से भर गई है, और टोटल जो एमबीए की स्ट्रेंथ है वो 240 है, जिसमें 120 सीनियर है और 120 जूनियर हैं, और दोनों ने ही मिलकर इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। और हमारे जो थर्ड सेम के स्टूडेंट जो अभी थर्ड सेम में पढ़ रहे हैं उनका लगातार प्लेसमेंट होता जा रहा है, और पिछली बार भी कोविड एनवायरमेंट में हमारा 100% प्लेसमेंट रहा, जो छात्र प्लेसमेंट चाहते थे उनको हमने प्लेस किया है। महानगर में रहने वाले अभिभावकों से यही अपील करते हैं कि अब पूरी तरह से कॉलेज ऑपरेशनल हो गए हैं और जो पढ़ाई होनी है फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग वो शुरू हो चुकी है। बिना किसी घबराहट के स्टूडेंट्स को भेजना, अपने बच्चों को भेजना शुरू करें, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, कॉलेज का वातावरण ज़रूरी है। 1.5 साल से हमने देखा कि किस तरीके से कोविड ने हमें परेशान किया, और अब लगातार हमारा कॉलेज 16 अगस्त से लगातार ऑपरेशनल है। 1 अक्टूबर से सभी नए छात्र कॉलेज में आ गए हैं और पूरी तरह से पढ़ाई चालू है। CT1 इनके बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, और CT1 सेकेंड ईयर और अंतिम वर्ष के छात्रों का CT1 हो चुका है। तो यानी मेरा ये कहना है कि आप निश्चिंत होकर अगर आपका बच्चा टिमिट कॉलेज में या TMU में पढ़ रहा है तो उसको भेजें, यहाँ सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाता है। प्लेसमेंट किस तरीके से किया
जाता है कि किस कंपनी से कॉन्टैक्ट है।